खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आपको बता दें कि कोरिया के मनेंद्रगढ़ में 18 सालों बाद दीनी इस्तीमा लगाया गया। लोगों ने बताया कि दीनी इस्तीमे का उद्देश्य अल्लाह ताला के बताए सच के रास्ते हम समस्त इंसानों को चलना है। हम इस इस्तीमे के जरिए से लोगों का निस्वार्थ सेवा करने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम समुदाय एवं सभी समुदाय को अल्लाह के बताए हुए नेकी के रास्ते पर चलकर जन्नत को जाएं और 5 वक्त का नमाज अदा कर देश दुनिया और प्रदेश की भलाई के लिए दुआ करते हैं। दरअसल अपने गृहस्थ जीवन में लोगों को 5 वक्त का नमाज अदा करने का वक्त नहीं मिलता। दीनी इस्तीमा के जरिए हम सब 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं। लोगों ने बताया कि इस दीनी इस्तीमा में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागपुर, झारखंड और अन्य कई जगहों से हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की है। इस इस्तीमे को सभी ने अपनी मेहनत से सजाया है। यह छत्तीसगढ़ जौन का इस्तीमा है। पिछले साल भिलाई में दीनी इस्तीमा लगाया गया था। देखिए, इस्तीमा जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम लाया दुनिया में, उस दौरे जमाने में सहाबा हुआ करते थे जिनके अंदर 100% दीन था। आज ये उसी की मेहनत है कि हर मुसलमान के कच्चे पक्के मकान में 100% दीन पहुंच जाए। सहाबा की जो जिंदगी थी वो जिंदगी जो है मुसलमानों की जिंदगी बन जाए। उनकी ईमानदारी, उनका अखलाक, उनका लोगों से मिलना जुलना, उनकी सच्चाइयाँ वो हर मुसलमान में आ जाए। इसी की मेहनत का नाम जो है तबलीग है और इज्तिमा है। इसी के को लेके जो है हर साल हम लोग, या वैसे तो देखा जाए तो हर हफ्ते होता है, मस्जिद वार इज्तिमा कहलाता है। फिर 3 महीने में होता है वो क्षेत्रीय डिस्ट्रिक्ट लेवल का इज्तिमा होता है, और ऐसा सालाना इज्तिमा एक बार जो है पूरे छत्तीसगढ़ लेवल का छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में होता है, और 100% दीन पहुंचाने के मकसद से होता है। और काफ़ी अच्छा, एक तरीके से कहा जाए कि इस जब से इस तबलीग का काम चालू हुआ है लोगों के अंदर बहुत दीनदारी आई है, लोगों के अंदर सुन्नत आई है, और इसकी मेहनत से आज लोग बड़ी ईमानदारी से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अमन पसंद जिंदगी जी रहे हैं। देश, इंसानियत हर एक के लिए एक बेहतर मॉडल बन के जो है आज इंसान जिंदगी, मुसलमान जिंदगी जीने लगे, और यही हमारी जो है इस इज्तिमा का मकसद भी होता है, और काफी हद तक हमें उसमें सक्सेस भी मिला। इज्तिमा कितने सालों बाद बनाया गया? ये इज्तिमा महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र जैसे कि नागपुर और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिला करके प्रत्येक वर्ष इज्तिमा का आयोजन इन क्षेत्रों में एक जगह किया जाता है। लगभग 18 वर्ष बाद मनेंद्रगढ़ में दोबारा यह इज्तिमा आयोजन करने का मौका हम लोगों को मिला। इज्तिमा में संख्या हमारी कल दुआ के समय तक लगभग 50,000 के आसपास लोग यहाँ इज्तिमा में रहेंगे, और इज्तिमा में जो है उनके बारे में, नबी के तरीकों पे चलने के बारे में अच्छी बातें बताई जाती है, लोगों को उसमें अमल करने के लिए हिदायत दी जाती है। हम लोग की ड्यूटी लगी है इसमें इस्तकबाल में, जो मेहमान आते हैं उनका वेलकम करने के लिए। कितने सालों बाद ये सन 2000 में हुआ था, 19 सालों बाद ये अपना रोस्टर में आया है। इस बार यहाँ मनेंद्रगढ़ के में पड़ा है ये अपना इस्तेमाल, और ये मशवरे से तय होता है एक बार कि ये इसके बाद कहाँ जाएगा, वो यार इसके बाद 2 महीने के बाद पता चल जाता है कि अगला मशवरा। कितने की जनसंख्या अभी तक ये अभी तक ये नमाज 15,000 से 20,000 के अभी तक पता अंदाजा लग रहा है। एंट्री होती है बाकायदा उनकी कि कितने साथी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से 15,000-20,000 के अंदर लगभग लग रहा है। मेन मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलने से, अपना घर बार छोड़ने से अल्लाह का ध्यान पैदा होता है। एक सुई के साथ मिल के इज्तिमाई तौर पर जो अमल होता है उसमें दिल में यकीन पैदा होता है, उसके लिए। खबर समय जगत के लिए जिला कोरिया से ब्यूरो चीफ नीलेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।